हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीडियो क्रिएटर चंदन चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आज हम बताएंगे एग्रीकल्चर कनेक्शन का जो बिजली प्राइस है, जो यूनिट रेट है और फिक्स चार्ज, वो दोनों हम बताएंगे इस वीडियो में कि कितने रुपए लिए जाते हैं और फिक्स चार्ज कितना रुपये लिया जाता है और यूनिट रेट कितना लिया जाता है। तो इस वीडियो में वही हम बताएंगे, पूरे एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करने की इच्छा हो रहा है तो कर लीजिएगा, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर कनेक्शन अभी बिहार में फिलहाल के लिए बंद है। अब क्या कारण है वो तो पता नहीं, लेकिन चालू हो जाएगा जल्द ही जल्द। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको बताते हैं आपको। तो IAS 1 के बारे में आज हम बात करेंगे और IAS 2 होता है। तो IAS 1 जो होता है उसके बारे में डिटेल में हम देखते हैं और जानते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्क्रीन पर और जो एक लिस्ट है हमारा, उस लिस्ट में आपको बताना पड़ेगा। तो वो लिस्ट पर चलते हैं और आपको बता। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर लिस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, यूनिट रेट और सब्सिडी, जो कि सरकार को सब्सिडी जाता है एग्रीकल्चर कनेक्शन में। और एग्रीकल्चर कनेक्शन को शॉर्ट में IAS भी कहा जाता है, IAS 1, और फुल फॉर्म होता है इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर सर्विस। तो इसमें देखिए दोस्तों, हमने कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर भी लिख रखा है, फिक्स चार्ज भी लिख रखा है और एनर्जी चार्ज भी लिख रखा है। तो जिसका अनमीटरेड कनेक्शन है, जिसके कनेक्शन में मीटर नहीं लगा है और वैसे ही बिजली यूज कर रहे हैं, उसका 1 HP का 800 रुपये लिया जाएगा पर मंथ का, और जिसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी 716 रुपये चला जाता है। तो 84 रुपये HP के हिसाब से आपका बिजली चार्ज लिया जाता है। और इसके बाद मीटर का जो कनेक्शन है, जिसमें मीटर लगा है, उसका फिक्स चार्ज आपको 30 रुपये महीना के हिसाब से लगेगा और 5 रुपये 55 पैसे यूनिट लगेगा। तो अब इसमें देखिए, गवर्नमेंट सब्सिडी फिक्स चार्ज जो 30 रुपये HP मंथ के हिसाब से है, वो 30 के 30 सब्सिडी में चला गया, तो वो 0 रुपये आपको लगेगा। और इसके बाद जो यूनिट चार्ज है 5 रुपये 55 पैसे, उसमें 4 रुपये 85 पैसे आपको गवर्नमेंट सब्सिडी में चला गया, यानी 70 पैसे बचा। तो 70 पैसे यूनिट आपको लगेगा बिजली चार्ज जो आप एग्रीकल्चर कनेक्शन यूज करोगे उसमें। और अनमीटरेड कनेक्शन में भी वहीं पड़ता है, 1 रुपये से नीचे ही पड़ता है, तो बहुत ही सस्ता दोस्तों पड़ता है। तो मेरा आपको यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग दूसरा कोई भी कनेक्शन लेके यूज मत कीजिए, एग्रीकल्चर कनेक्शन लीजिए और यूज कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है दोस्तों। और आप भी कमेंट करके बताइए फ़ायदा है या नहीं। और अभी मैं देख रहा हूँ कि बोल रहे हैं डोमेस्टिक कनेक्शन ले लो और अपने खेती बाड़ी पटाने के काम में आएगा, जैसे फ़िलहाल अभी बिहार में बंद है बिजली कनेक्शन एग्रीकल्चर। तो आप लोग एग्रीकल्चर कनेक्शन चालू होगा अप्लाई, तो तभी लेके यूज कीजिएगा, डोमेस्टिक कनेक्शन मत लीजिएगा, भारी पड़ जाएगा आप सभी को, इतना ही कहेंगे। यही कुछ यूनिट प्राइस है दोस्तों और फिक्स चार्ज यही है जो आपको लगेगा, और इनके अलावा कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है आपसे। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि कितना यूनिट प्राइस लिया जाता है और कितना फिक्स चार्ज लिया जाता है। अगर समझ गए हैं तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एग्रीकल्चर कनेक्शन में फ़ायदा है या नहीं। तो चलो, थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।